नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। सावन के चलते जो जो शिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा है, छोटी काशी के मंदिर भोले बाबा के जयकारों से गूंज रहे हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों के लिए विभिन्न स्थानों पर उनके भोजन व रहने की व्यवस्था की गई है, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भिवानी के नजदीक लगते कस्बों में कांवड़िए शहर से होते हुए गुजरते हैं और बम बम भोले के जयकारे लगाते हैं। जब इस बारे में कांवड़ियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 15 तारीख को शिवरात्रि है और वो कुछ तो लोहारू जाएंगे और उनमें से कुछ तो शाम तक जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी थी, जगह जगह भंडारों का आयोजन कर रखा था। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी जा रही थी। डॉक्टर्स की व्यवस्था भी थी और साथ ही साथ रात को रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही थी। वहीं हरियाणा में भी लोगों ने भंडारों का आयोजन कर रखा था, जगह जगह शिविर लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 15 तारीख को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह भगवान शंकर पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। छह तारीख को कावड़ यात्रा शुरू करी थी और अब फिलहाल भिवानी में आज कल तो शाम पहुँचेंगे। तो शाम जाना है। 5 तारीख को उठाई थी 9 बजे कावड़ और 15 तारीख को चलाने लगी यात्रा की थी। यात्रा बहुत अच्छी रही, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नाम है जी प्रेम शर्मा, गांव खरकड़ी, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा। और हमने 4 तारीख को कांवड़ उठाई थी 4:15 बजे। उसके बाद में बड़ी बढ़िया यात्रा रही, खास करके उत्तराखंड और यूपी की सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी करी यूपी की सरकार ने। लेकिन हरियाणा सरकार का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। हरियाणा के अंदर जब हम दाखिल हुए तो उस वक्त ये जो भोले बैठे हैं गाँवों के सेवक, इनने हमारी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करी, बहुत अतिथि भाव दिया ताकि हम अपनी मंजिल पर डॉक्टरी सेवा दें, इन्हें मेडिकल की सेवा दें, बढ़िया खाना दिया, ठंडा पानी दिया, परमात्मा इनको खुश रखे। भाई भगवान से उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये भोला जो है ना इनका भंडार भरे ताकि आवनिया की सेवा करी जा। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। हम यहाँ काफ़ी वर्षों से भंडारे का संचालन कर रहे हैं। हमारे सभी साथी ये बैठे हैं, सतबीर जी, मास्टर बबलू जी, वकील साहब, और ये सारे अपना यहाँ मोहल्ले के जितने कार्यकर्ता हैं सभी अपने निज सहयोग से अपना तन मन से यहाँ सेवा का अर्पण करते हैं। और यहाँ काफ़ी वर्षों से ये लग रहा है, कांवड़ियों की सेवा करके बड़ी तृप्ति होती है हमें भी, और जितना भी हमारे से हो पाता है इनकी सेवा करते हैं। समाज का सहयोग का, व्यापारी का, आने जाने का, पत्रकारों का, सभी का हमारे साथ बड़ा मिलनसार रहा है और उनका सबका बड़ा भरपूर सहयोग रहा है। और कांवड़ियों बड़ी सफल यात्रा रही है। इनके लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था, सोने का प्रबंध, नहाने का, धोने का और किसी प्रकार की भी इनको आवश्यकता होती है, हम इनकी पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम कुछ तो सफल हुए और आगामी योजना में और कोशिश करेंगे हम ज्यादा। हरियाणा उदय कार्यक्रम के अंतर्गत भिवानी के ADC अनुपमा अंजलि ने बीती शाम गांव दुल्हेड़ी में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निवारण करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। वहीं उन्होंने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान ASP लोगेश कुमार, SDM मनीष कुमार फोगाट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ADC ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव में पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों का मेडिकल चेकअप किया गया और चिरायु कार्ड भी बनाए गए। युवा स्वच्छता जन सेवा समिति द्वारा प्रधान पवन सैनी के नेतृत्व में अधिकारियों का गांव में पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह तिरंगे झंडे लगे हुए थे। ADC श्रीमती अंजलि ने कहा कि सामुदायिक संबंधों और आम जन को घर द्वार पर सेवाओं का लाभ देना ही हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण अंचल में जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जहां विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वहीं मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय मौजूद है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे गाँव के विकास में अपना सहयोग दें और अपने गाँव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिले में डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में हरियाणा उदय के तहत आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाता है और नागरिकों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इनकम ज्यादा कारण ये बता रहे, बिजली का मीटर बिल एकदम ज्यादा बढ़ गया था इसके कारण। ये काफी से रिप्लाई भी दे दिया, इसका कोई सलूशन नहीं हो रहा है। बिजली वाला इन्हीं का ही है। और नाली खुदवाने के बाद वो जो सड़क थी वो काट दी और उसके बाद समस्या आ रही है, पार्टी है और है कुछ भी नहीं था, वो बनवाई जा रही है। दूसरी परिवार पे पब्लिक हेल्थ से कौन है आपकी रीलेन नहीं हुई है यहाँ पे बता रहे हैं बार बार क्या गया घंटाघर के निकट पानी की टंकी के नजदीक वाल्व खराब होने के कारण रोजाना हजारों लीटर व्यर्थ बह रहा है पेयजल। इस बारे में आसपास के दुकानदारों ने बताया कि वे इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। घंटाघर चौक के दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर आए दिन वाल्व खराब हो जाते हैं जिससे यहाँ पर हजारों लीटर पानी सड़कों पर आ जाता है। इसके साथ ही साथ दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वाल्व का पानी दुकानों में घुस जाता है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को की जा चुकी है लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहाँ की समस्या का समाधान किया जाए ताकि सड़क पर बहने वाला हजारों लीटर पेयजल रुक सके और दुकानदारों की परेशानी कम हो सके। उन्होंने कहा कि इसके कारण दुकान पर काम धंधा भी काफी कम हो गया है, इसीलिए उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इन वाल्व को ठीक किया जाए। वीरवार को भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल के निर्देशानुसार भिवानी की अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि और एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर जिले में बाढ़ राहत प्रबंधों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने विभिन्न ड्रेन्स का मौके पर जाकर निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एडीसी श्रीमती अनुपमा और एसडीएम श्री करवा ने सबसे पहले भिवानी गगर ड्रेन का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एडीसी को बताया कि यह ड्रेन हिसार में जाकर मिलती है और जिले में इसकी लंबाई करीबन 50 किलोमीटर है। बादरी रोड पर एसटीपी से ही यह शुरू हो जाती है। इसके बाद अधिकारियों ने खरक में रोहतक रोड पर खरक ड्रेन का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह ड्रेन दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी में जाकर मिलती है। एडीसी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द भिवानी गगर ड्रेन और खरक ड्रेन की सफाई करवाने को कहा ताकि पानी की क्षमता बढ़ सके। खरक में निरीक्षण के दौरान सीएम ग्रीवेंस कमेटी सदस्य कमल फौजी और अन्य ग्रामीणों ने एडीसी से गांव खरक खुर्द के रातूसर तालाब, बैसठ वाला तालाब और पीर खुदाने वाली जोहड़ी में पानी निकासी के लिए मोटर स्थापित करवाने की मांग की। इसके बाद अधिकारियों ने कलिंगा में ड्रेन का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने ड्रेन की गहराई को भी चेक करवाया। पंजाब राज्य से लगते जिले व पंचकुला में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भिवानी से चंडीगढ़ जाने वाली एकता एक्सप्रेस को 11 जुलाई से 13 जुलाई तक रद्द कर दिया गया है। यह कहना है दैनिक रेल यात्री संघ प्रधान महावीर डालमिया का। वही उन्होंने आगामी दिनों के त्योहारी मौसम को लेकर भिवानी से विभिन्न गाड़ियां चलाने की रेल मंत्रालय से मांग की है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो आए दिन सैकड़ों की संख्या में लोग यहां से जाते हैं। उन्हें 3 दिन से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कालका एक्सप्रेस का संचालन रद्द किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला में तेज बारिश से पानी भरने की वजह से इस ट्रेन को रद्द किया गया है। साथ ही साथ इन दिनों हरिद्वार जाने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। उनका कहना था कि हरिद्वार जाने वाली ट्रेन रोजाना चलाई जानी चाहिए।
इंदौर और बांद्रा ट्रेन को भी बंद किया जा रहा है, इन्हें भी दोबारा चलाया जाए। लोग यहाँ से सीधे मुंबई जाते हैं, उनके लिए इन ट्रेन का बहुत लाभ मिलता है। जब रेलवे अधीक्षक जी के गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अंबाला में पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से कालका ट्रेन को रद्द किया हुआ है और जो हरिद्वार ट्रेन जा रही है वह वीरवार को सुबह यहाँ से अपने निर्धारित समय से गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पानी कम होगा कालका को भी संचालित कर दिया जाएगा। ये कोई बारिश वारिश की वजह से है, पानी वानी भरने की वजह से हुई है। और अभी तो 11, 12, 13 तीन दिन बंद हुई है, अभी तो आगे का प्रोग्राम का पता नहीं है, अभी एकता बंद है बस। रेलवे का नुकसान तो हुआ, वो हुआ ही हुआ है, यात्रियों को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जैसे भिवानी से चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी है, चंडीगढ़ स्टेट की राजधानी है, वहाँ लोगों को सेक्रेटरीट में काम होता है, हाईकोर्ट में काम होता है, पीजीआई में काम होता है, जिसके लिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परंतु रेलवे की कुछ मजबूरियाँ हैं कि अंबाला के अंदर पानी की पोजिशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम प्रशासन से मांग करते हैं शीघ्र ही जो है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक करवा करके और रेलवे द्वारा रेल संचालित की जाए। की संभावना अभी तक नहीं है, बाकी जो है बारिश के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, और बारिश अगर और नहीं हुई तो और कोई गाड़ियां बंद होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ हम भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर जी से मांग करते हैं कि कुछ गाड़ियां संचालित की गई थी, जैसे भिवानी से इंदौर की, जैसे भिवानी से बांद्रा की, इन गाड़ियों को रेल प्रशासन ने अज्ञात कारणों से बंद कर दिया गया। हम उनसे मांग करते हैं कि रेलवे से पत्राचार करके उन गाड़ियों का पूर्ण संचालन शुरू किया जाए। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में प्रशिक्षण लेने वाली एएनएम छात्राएं इन दिनों भय के साए में रहने पर मजबूर हो रही हैं। जर्जर बिल्डिंग से परेशान 120 छात्राओं के भविष्य और सुरक्षा से चिंतित एएनएम टीचिंग स्टाफ ने बताया कि अस्पताल परिसर में उनके लिए पानी बिजली इत्यादि प्रत्येक व्यवस्था का अभाव है, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर छात्राओं की माने तो इन दिनों हो रही बारिश से उनका जीना बेहाल हो गया है, क्योंकि हॉस्टल में सीवरेज का गंदा पानी घुस गया है और मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके चलते बीमारी होने का भी खतरा बना हुआ है। छात्राओं ने कहा कि दूसरों की सेहत का ख्याल रखने वाली एएनएम छात्राओं की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार समस्याओं से विभाग को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस मौके पर एएनएम टीचिंग स्टाफ ने बताया कि करीबन 4 साल से बिल्डिंग जर्जर हालत में है और इसे कंडम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन नई बिल्डिंग न मिलने की वजह से लगभग 120 एएनएम छात्राएं इसी जर्जर बिल्डिंग में रह रही हैं। हर साल बारिश की वजह से गंदा पानी आता है और छत गिरने का भी खतरा बना रहता है, तो कभी सांप बिच्छू भी निकल आते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि समस्याओं से उन्हें जल्द से जल्द निजात दिलवाया जाए। मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। बारिश आने की वजह से हम काफी दिनों से यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमारी प्रिंसिपल ने काफी एफर्ट्स किए हैं, डीएमआर में एप्लीकेशन भी लिखी है और पीएमओ और सीएमओ को भी कंप्लेन की है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे बिल्डिंग्स में करंट और सांप बिच्छू वगैरह बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, और आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। मेरा नाम मीनू है, मैं सेकंड ईयर के एनएम की छात्रा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पे बारिश हुई है और हम सब बच्चों को बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। हमें पीछे भी ऐसे ही सबसे अनुरोध किया था, सीएमओ के हमारी मैम भी गई थी, हम भी बोल रहे हैं बार बार। हमारे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो सीएमओ सर हैं जो हमें बुला लेते हैं, उसके बाद अब हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास में सीवर है, सीवर का पानी यहाँ पे हमारे हॉस्टल के आगे भी और हॉस्टल के अंदर तक पूछ चुका है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, बच्चों को ढेर सारी बीमारियां भी हो रही हैं। वैसे तो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, लेकिन हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें डीसी साहब से, सीएमओ साहब से, पीएमओ साहब से और डीएमआर से यही मतलब हमारी अनुरोध है कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है उनकी सुनवाई करें, हमारी समस्याओं का। तो जैसा कि आप हालात देख रहे हो, हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर ब्रीड कर रहे हैं, बहुत सारा कीचड़ हो रहा है यहाँ पे और बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही है, आप और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये हमारी बिल्डिंग 2020 से फरवरी 2020 से कंडम घोषित होनी पड़ी है, जब से हम रिटर्न में रोजाना डीएमईआर को और मैंने तो खुद सीएमओ सर को और डीसी को भी बार बार लेटर दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं उनको, लेकिन आज तक इसका कोई सलूशन नहीं हुआ। बार बार यहाँ से
कभी बच्चों को वॉशरूम में सांप दिखता है, कभी छत गिर जाती है कहीं से, तो हम खतरे में बैठे हैं और इसके लिए आगे आने वाले समय में कोई भी अनहोनी होगी तो उसके लिए। मैं उषा शर्मा एनम ट्रेनिंग स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ। यहाँ 2 फरवरी 2020 से ये बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी है। बार बार 120 के करीब छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ले रही हैं। वैसे तो कहते हैं शिक्षा का मंदिर है, हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर कार्यरत हैं, साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में असल में तो कंडम बिल्डिंग को कभी अलाउड ही नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे इस कंडम बिल्डिंग में हम 3-4 साल से रह रहे हैं, बार बार पत्राचार DMAR को भी कर रहे हैं, CMO PMO से भी बार बार हमने मीटिंग की है कि सुरक्षित स्थान बच्चों के लिए मुहैया करवाया जाए, लेकिन CMO साहब कहते हैं DMAR के अंदर जा चुके, हमारा तुम्हारे कोई कनेक्शन नहीं। वहाँ पे बार बार लिखा जाता है, हम DC साहब से भी CTM साहब से भी मिले हैं और 2 डॉक्टर की टीम और 2 टीचर्स की टीम डॉक्टर के पास गई, डायरेक्टर नरेश जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ मुआयना किया था और वार रूम भी दिखाया था उन्होंने, 16 कमरे हैं उसमें। हमने सोचा था फर्स्ट ईयर GNM और ANM दोनों को ये वार रूम उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अब CMO साहब इस चीज़ के लिए तो मना कर रहे हैं कि हम वार रूम को नहीं दे सकते क्योंकि कोविड की स्थिति है और हम रजिस्ट्रेशन रूम इसको घोषित किया हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूँ कोविड 2020 के बाद जैसे कोविड अब WHO ने भी अब कोविड को घोषित कर दिया कि कोविड नहीं रहा, लेकिन और लेजिस्ट्रेशन में भी कोविड के बाद भी कोई भी स्टाफ या अन्य कर्मचारी वहाँ नहीं रुकता, वो चीज़ खाली है। ठीक है, अभी वो CMO साहब की मर्जी, वो देंगे कि नहीं देंगे, हम DC साहब से भी मिल चुके और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ बच्चों की सुरक्षा है, लड़कियां हैं और यदि कल को कुछ भी बात यहाँ इसमें हताहत हो जाता है किसी भी छात्रा के साथ तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि हम बार बार प्रशासन को DMAR को BPS GMC खानपुर सोनीपत को भी हम लिख के दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और स्वास्थ्य के हिसाब से इतना बड़ा खिलवाड़ है यहाँ पे, पानी साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे और इतना बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, इतना कीचड़ यहाँ हो जाता है, मच्छर पनप रहे हैं बहुत ज्यादा, सांप बिच्छू और कान खजूरे पनप रहे हैं। एक बच्ची GNM की बच्ची को तो सांप ने ऊपर से निकल गया, शुक्र उसको डसा नहीं, और पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, यहाँ केवल एक टूटी है जिससे पूरे हॉस्टल की सफाई होती है, सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप है कि यहाँ पे गंदगी इतनी फैल चुकी है कि यहाँ से बदबू भी आती है, पानी की सीलन की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग में करंट है जिसकी वजह से किसी बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, हमें भी हो सकता है, इसलिए प्रशासन से बार बार आग्रह है किसी तरह से इस बिल्डिंग को स्थानांतरित करवाने का कोशिश करें ताकि बच्चों के भविष्य से और हमारे भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। भिवानी जिले के गांव कायोला से 2 बेटियों के पिता और 5 बहनों के इकलौते भाई की बिजली का करंट लगने के कारण मौत होने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने बताया कि लक्ष्मण खेत में ट्यूबवेल संभालने के लिए गया हुआ था, इस दौरान साथ में लगे ट्रांसफार्मर से उसका हाथ लग गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए बताया कि मृतक की 2 बेटियां और 5 बहनें हैं, वह इकलौता कमाने वाला था, उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया और परिजनों के बयान दर्ज कर धारा 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई। ये सर ऐसे रहे कि लक्ष्मण और बिट्टू सनोक छत्रपाल राजपूत आरो कायला का रहने वाला था, ये सुबह खेत में अपने वहां पर गया था खेत में ट्यूबवेल को संभालने के लिए, तो वहां पर ट्यूबवेल संभालते समय इसके साथ में वो ये बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहां पर पानी भरा हुआ था और ये जो अर्थ की तार है उसमें पानी की वजह से उसमें करंट आ जाता, तो इत्फाक से इस तरह हाथ लग गया और उसे इसमें करंट आने से दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। इसके 2 लड़की हैं जी, तो 3 या 5 साल की लड़की हैं, 2 लड़की हैं और माँ बाप का यह एक ही लड़का है और 5 सिस्टर हैं। आज मेरे ताऊ का लड़का एक्सपायर हो गया जी, जो कि एक लड़का था मेरे ताऊ जी के, 5 बहन हैं, उसके 2 लड़की हैं जी, 1 5 साल की 1 8 साल की जी। घर में कमाने खाने वाला यही था जी, एक खेती करता था जी, खेत में काम कर रहा था, पास में ट्रांसफार्मर से इसका फॉल्ट होने से करंट लग गया जी, उससे इसकी मौत होगी जी।
प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, इसके बच्चों का, इसके परिवार का सहायता की जाए, या आर्थिक मदद की जाए। ये अपने परिवार में एक कमाने खाने वाला था जी, ये भी राम का प्यारा होगा जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, इसके परिवार की सहायता की जाए जी, भगवान परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे जी। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन से संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले 35,400 रुपए वेतन की मांग को लेकर शिक्षा बोर्ड परिसर के अंदर आईटीआई बोर्ड कर्मचारी, कॉलेज कर्मचारी व सीबीएलओ के कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मांग को लेकर इनका धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मियों का नेतृत्व शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन के प्रधान संदीप जांगड़ा व संचालन महासचिव सतबीर स्वामी द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा, कॉलेज के प्रधान मनीष घनगस, विश्वविद्यालय के प्रधान कुलदीप पूनिया, हिंसा की प्रांतीय सचिव सुमन देशवाल ने कहा कि सातवें वेतन आयोग अनुसार लिपिक का वेतन 35,400 जायज है, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। इस मांग को लेकर लगातार 11 साल से आंदोलन जारी है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों ने लगातार 477 दिनों तक कुरुक्षेत्र में आंदोलन चलाया था। आंदोलन के दबाव में 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल में प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन सरकार ने उसे होल्ड पर रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि वेतनमान बढ़ोतरी का वायदा भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में किया था, लिपिक वर्ग के साथ वेतनमान में लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। इस अन्याय व भेदभाव से साझा संघर्ष ही निजात दिलवा सकता है। कर्मियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले अनुसार लिपिक का वेतन 35,400 का नोटिफिकेशन जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये जो लिपिक वर्ग जो है अपनी मांग कर रहा है 35,400, ये इनका राइट बनता है, इनका हक है, इनको उन्हें गवर्नमेंट ने लागू करना चाहिए। और ये आज नहीं, आज से 5-7 साल पहले में लागू हो जाना चाहिए था। और ये गवर्नमेंट इस चीज़ में कोई ढिलाई बरतगी तो इसमें है ना मुँह की खानी पड़ेगी। और लिपिक वर्ग जो है हर डिपार्टमेंट में एक महकमे में रीड की हड्डी होती है, इनके पास काफ़ी काम होता है और ये काम जो है ना बहुत ही अलजप्रद होते हैं। इनको काम को देखते हुए इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। हमारी मांग 35,400, हमारे लिपिक, हमारे जूनियर जो साथी हैं उनके 35,400 के समर्थन में हम इकट्ठा हुए हैं। सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि कर्मचारी अब जाग चुका है। जिस कर्मचारी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विभिन्न गुटों में बांटकर इन्होंने अलग 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 थलग किया था, वो आज एकजुट हो चुके हैं, अपनी ताकत का उनको एहसास हो चुका है, तो सरकार हल्के में लेने की कोशिश ना करे। कोट उमरावत रोड पर स्थित जय हिंद डॉग फार्म पर ऑर्गेनिक खाद से की जाती है अनेक फलदार पौधों की खेती। इस बारे में फार्म के संचालक दयाराम ने बताया कि उनके फार्म पर एक ही पेड़ पर सैकड़ों किलोग्राम नींबू की फसल के साथ साथ आम, अमरूद, अनार, चीकू इत्यादि की भारी फसल प्राप्त की जाती है। भिवानी के नजदीकी गाँव कोट उमरावत रोड पर स्थित डॉग फार्म में इन दिनों ऑर्गेनिक खेती के आधार पर अच्छा खासा नाम कमाया है। यहाँ स्थित जय हिंद डॉग फार्म में अनेक तरह के फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आम, अमरूद, जामुन, चीकू, अनार व नींबू काफी संख्या में लगे हुए हैं। यहाँ विशेष बात है कि इन पेड़ पौधों में जैविक खाद का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
हमारे यहाँ पर जो अलग वैरायटी के पेड़ हैं, जो जिस तरह एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ा सके, पैदावार बढ़ा सकें। आप नींबू का पेड़ देख रहे हो, जिसका तो आपने जो देख लिया कितना इसके खेती के अंदर 10 गुना नहीं 100 गुना धन कर सकता है। इसी तरह हमारे नींबू के अलावा आम के पेड़ हैं, बड़बीरी के पेड़ हैं जिसके बेअंदाज बेर लगते हैं, अमरूद के पेड़ हैं, और ये चिक्कू है, और चिक्के अनार है, और ये जामुन है, आड़ू है, और बाहर एक दूसरी तरह का पेड़ भी लगे जो अमरूद का अलग से वैरायटी का। खेती में जैसे खाद के बिना ही हम ये जैसे मिर्च है, अभी दूसरी चीज़ें भी लगी हुई थी मौसम के मुताबिक, वो अभी है नहीं। तो हम चाहते हैं कि आम भी लगे है, आम की वैरायटी, आंवला है, आंवला भी इसी तरह लगता है जैसे आपने आज ये देखा ना जो नींबू का पेड़, इसी तरह आंवला भी अपने आप इतने बड़े बड़े आंवले और टूट के गिर जाते हैं नीचे, पेड़ गिर जाता है इतने। ये तो हमारा अपना चाहते हैं कि लोगों को आप दिखाएं, हम चाहते हैं कि आए को 2 गुना नहीं 100 गुना करने की बात करें। 3 की कलम अभी टाइम आएगा, हम किसानों को कलम भी बनवा के देंगे तैयारी करके, हर एक पेड़ की जो वैरायटी का पेड़ है, ताकि वो अपने घर पर ले जाके लगा सके। अभी एक कलम हमने पीछे बनाई की लगाई थी, वो देखिएगा वहाँ लगी हुई भी है, इसी नींबू की बचाया कि भाई कल ना ये टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, तो एक वैरायटी रहे। और इस नींबू के अंदर बीज नहीं है बिल्कुल भी, ये दवा का भी काम कर रहा है, इससे पथरी की दवाई भी बनाई जाती है, जैसे निचोड़ के नींबू को और कोड्डी वगैरह डाल के शीशे के जार में, और दवाई भी बनती है। और अलग से हमारा और भी काम है, जैसे लोगों से हटके काम होता है, जैसे डॉग फार्म है हमारे, बाहर कबूतर पालने का धंधा है जो कि एकदम बाहर दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर तो जो ये किसान हमारे साथी हैं, ये हमारे जिला पार्षद हैं गांव के, तो इनके चाहते हैं कि भी गांव के अंदर लोगों को जागरूक करें, किसान को भी हम देंगे 1-2 कलम बनवा के, ताकि ये भी अपनी खेती का बढ़ावा कर सके। फोटो भी लेना चाहेंगे तो अभी कुटिया ब्याई भी है, और पेमोरियन छोटी नस्ल के ही रखते हैं, ताकि आजकल जो बड़ी ब्रीड होती है ना वो काटने वाली होती है, सरकार ने बैन भी लगा दिया, हम इसीलिए छोटी ब्रीड को रखते हैं, रखवाली 1 नंबर की होती है सारे के सारी। और अमरूद के पेड़ है बाहर दिखाएंगे आपको अलग से वैरायटी, जो 1-1 किलो के अमरूद तैयार होते हैं। एक बड़बेरी है जो अभी बड़े वाला जो चक्कू से काट करके बेर खाने वाले सेब वाले बेर, वो वैरायटी भी ला रखे। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।